अगर हम फोर व्हीलर की बात करें तो लिगामेंट इंजरी के बाद फोर व्हीलर आप तभी चला सकते हो जब आपके घुटने की मूवमेंट एटलीस्ट 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री तक अगर हो गई है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रोहन वक्ता, ऑर्थोपेडिक सर्जन, स्पोर्ट्स एंड लिगामेंट इंजरी स्पेशलिस्ट, अहमदाबाद गुजरात से, एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑर्थो सॉल्यूशन। काफी मरीज हमको पूछते हैं कि ऑपरेशन के बाद हम गाड़ी कब चला सकते हैं और स्कूटर कब चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गाड़ी और स्कूटर आप कब चला सकते हो। तो अगर हम फोर व्हीलर की बात करें तो लिगामेंट इंजरी के बाद फोर व्हीलर आप तभी चला सकते हो जब आपके घुटने की मूवमेंट एटलीस्ट 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री तक अगर हो गई है। 90 डिग्री यानी कि आप जब आप कुर्सी पे खाना खाने के लिए बैठते हो तो पाँव जब आप लटका के बैठते हो तब आपका जो घुटना जितना मुड़ा हुआ होता है जिसको 90 डिग्री नी बेंडिंग कहा जाता है। अगर लिगामेंट सिर्फ ACL का ऑपरेशन हुआ है और कोई चीज़ की रिपेयरिंग का काम नहीं हुआ है तो ज़्यादातर केस में हमारे सेंटर में हम 4 हफ्ते पे यानी कि ऑपरेशन के 1 महीने बाद फोर व्हीलर गाड़ी चलाने की अनुमति दे देते हैं। सभी डॉक्टर्स का, सभी सेंटर का प्रोटोकॉल अलग अलग रहता है तो आपको अपने डॉक्टर से पहले पूछ लेना चाहिए। लेकिन सिर्फ लिगामेंट की सर्जरी हुई है तो 90 डिग्री मूवमेंट लाने में 2 से 3 हफ्ते लगते हैं और उसके 1 हफ्ते बाद आप नी कैप पहन के, हिंज नी कैप लगा के गाड़ी चला सकते हो। अगर लिगामेंट के साथ गद्दी भी रिपेयर की गई है, मेनिस्कस रिपेयर, कार्टिलेज रिपेयर या फिर अन्य स्ट्रक्चर भी रिपेयर किए गए हैं तो लंबे टाइम तक पाँव में पट्टा रहता है और पाँव को मूवमेंट आने में टाइम लगता है। तो ऐसे केस में आप 1 महीने पे गाड़ी नहीं चला सकते। तो ऐसे केस में 6 से 8 हफ्ते भी लग सकते हैं। लेकिन बेसिक प्रिंसिपल ऐसा है कि जब आपके पाँव का लंबा वाला पट्टा निकल गया और आप नी कैप पे शिफ्ट हो गए और आपके घुटने की मूवमेंट 90 डिग्री हो गई है तब आप गाड़ी चला सकते हो। टू व्हीलर कब चला सकते हैं? तो अगर चलाने की बात करें तो चलाने के लिए तो 1 महीने के अंदर अंदर आप चलाने लायक तो हो जाओगे, लेकिन हम उसकी परमिशन नहीं देते। क्यों? जैसे आप जानते हो तो हमारे देश में बहुत ट्रैफिक की एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। खड्डे आ जाते हैं, बारिश के टाइम रास्ते खराब हो जाते हैं, चलते चलते एक कुत्ता आ जाता है, गाय बीच में आ जाती है, कोई रॉन्ग साइड पे आ जाता है, तो एक्सीडेंट के बहुत ही ज्यादा चांस रहते हैं। लिगामेंट सर्जरी के बाद जो लिगामेंट होता है उसको हील होने में 4 से 6 महीना तो लगता ही है। जब तक लिगामेंट हील नहीं हुआ है और अगर आप टू व्हीलर चला रहे हो, किसी का भी धक्का लग गया, जर्क आ गया, आप गिर गए, तो वो लिगामेंट इनिशियल के हीलिंग फेस में अगर उसके ऊपर लोड आ गया तो वो स्ट्रेच हो सकता है, फट सकता है, लूज हो सकता है। एक बार वो लूज हो गया फिर कोई डॉक्टर, कोई फिजियोथेरापिस्ट, कोई सर्जन उसको बाहर से कुछ भी दवाई दे के या एक्सरसाइज करके उसको टाइट नहीं कर सकता। इसलिए टू व्हीलर चलाना बहुत रिस्की हो जाता है। इसलिए ज्यादातर केस में हम 3 से लेकर 4 महीने तक टू व्हीलर चलाने की या फिर कोई चला रहा है तो उसके पीछे बैठने की भी परमिशन हम नहीं देते क्योंकि वो बहुत रिस्की है। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है, घर के नज़दीक में कहीं आपको जाना है जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, रास्ता अच्छा है, आप धीरे धीरे संभाल के चला के जा सकते हो, तो ऐसे केस में घुटनों में पट्टा लगा के, नी कैप पहन के आराम से स्लोली स्लोली चला के आप ऑपरेशन के 1.5 महीने बाद स्लोली चला के जा सकते हो। लेकिन उसमें आपको बहुत संभाल के जाना है और वापस चोट ना लगे उसका ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में हमने आपको बताया कि गाड़ी आप कब चला सकते हो, स्कूटर कब चला सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप हमें लिख के भेज सकते हो, हम आपके प्रश्नों के उत्तर देने के कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।